सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और ये ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये एग्जाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर का प्रिजर्वेशन क्या होता है इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, साथ में ये प्रिजर्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों किया जाता है ये प्रिजर्वेशन और कौन कौन केमिकल के द्वारा किया जाता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्रिजर्वेशन ऑफ बॉयलर, तो देखिए बॉयलर का मतलब तो हम लोग समझते हैं, काफ़ी सारे वीडियो में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रिजर्वेशन का अगर हिंदी में बात करें तो किसी चीज़ को सड़ने से बचाना या खराब होने से बचाना। जैसे इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें जैसे हम लोग अपने घरों में अचार वगैरह अगर बनाते हैं तो अचार को भी सालों तक ना सड़े इसलिए उसमें एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो वो हम लोग जो केमिकल मिला है उससे हमारा अचार क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया, जिससे वो काफी महीनों तक और काफी सालों तक वो सड़ नहीं सकता है। ओके, इसको हम लोग और भी कई जगह देखते हैं, जैसे मार्केट में आप जितने भी सारे खाने के सामान देख लीजिए, चाहे आजकल की सब्जियां भी जो आती है वो भी प्रिजर्व किया हुआ रहता है, साथ में आप जितने भी सारे कॉस्मेटिक चीज़ें देख लीजिए वो भी प्रिजर्व किया रहता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स के केमिकल यूज किए जाते हैं ताकि वो काफ़ी महीनों तक या काफ़ी सालों तक वो सड़े ना, वो खराब ना हो। यानी कि आज के डेट में काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है जिसका मोटिव सिर्फ यही है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो खराब ना हो। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा ही एक एग्जांपल अपने घरों से रिलेटेड लेते हैं। जैसे आपने घर का खिड़की दरवाजा देखा होगा कि उसे कलर किया जाता है, उस कलर करने का उद्देश्य ये होता है, एक तो होता है खूबसूरती बढ़ाने के लिए, दूसरा जो सबसे बड़ा टेक्निकल रीजन है उसको रस्टिंग से बचाया जाता है। अगर कोई लोहे का पीस आप नॉर्मली एटमोस्फेरिक कंडीशन में रख देंगे तो एटमोस्फेयर का जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, वो उसके साथ रिएक्शन करके उसमें रस्टिंग हो जाएगा, यानी कि कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोरोजन से बचाने के लिए उसमें रस्टिंग ना लगे, मोर्चा ना लगे, जिसको हिंदी में मोर्चा बोलते हैं, तो वो मोर्चा ना लगे इसलिए उसमें कलर कर दिया जाता है। तो कलर कर देने से वो दरवाजा जो है, खिड़की जो है, या कोई भी लोहे का ऐसा पीस है वो आपका खराब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। ओके, तो इसी चीज को कहा जाता है प्रिजर्वेशन। तो यहां पर तो हम लोग दरवाजे, खिड़की, लोहे और कई सारी चीजें देखिए, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो बॉयलर के बारे में बात करेंगे कि जो बॉयलर होता है उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो बॉयलर प्रिजर्वेशन इज द मेथड टू प्रोटेक्ट बॉयलर इंटरनल सरफेस फ्रॉम कोरोजन एंड एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन व्हेन बॉयलर इज आउट ऑफ सर्विस और शट डाउन कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो बॉयलर प्रिजर्वेशन क्या है, तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉयलर के इंटरनल सरफेस को, किससे प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें करोजन ना हो और वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। कब? जब हमारा बॉयलर आउट ऑफ सर्विस में रहे, यानी कि वो रनिंग कंडीशन में ना रहे, वो स्टॉप कंडीशन में रहे, साथ में वो शट डाउन कंडीशन में रहे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, काफी दिनों तक अगर वो शट डाउन कंडीशन में, तो उसी को कहा जाता है बॉयलर प्रिजर्वेशन। तो डिफिनेशन से ही पता चलता है इसकी, इसका मोटिव क्या है कि हमारे बॉयलर का जो इंटरनल सरफेस है, जो ट्यूब के अंदर का जो सरफेस है, उसके अंदर कोरोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, वो प्रोटेक्ट रहे, उसमें कोई भी जंग ना लगे, कोरोजन ना हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बॉयलर का प्रिजर्वेशन किया जाता है। अब ये जो बॉयलर प्रिजर्वेशन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला जो है वो है आपका वेट प्रिजर्वेशन और दूसरा जो है आपका ड्राई प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग वेट प्रिजर्वेशन को देख लेते हैं, फिर ड्राई प्रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए पहला जो इसमें पॉइंट आएगा कि वेट प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। तो जब कभी हम लोग वेट प्रिजर्वेशन करते हैं तो वो हमारे बॉयलर को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, वाटर में जो भी ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स है, चाहे एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इट यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सडन एंड क्विक डिमांड ऑफ स्टीम। तो इसका जो यूज किया जाता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस हिसाब से किया जाता है। और क्या देखकर किया जाता है, जब आपका बॉयलर में मान लीजिए वो स्टैंड बाय कंडीशन में है और सडनली आपका लोड का फिर डिमांड बढ़ गया, फिर से उसको स्टार्ट करना है, लाइटअप करना है, तो उस केस में आपका वेट प्रिजर्वेशन ही किया जाता है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जितने भी सारे अभी हाई कैपेसिटी के जो बॉयलर होते हैं जहाँ पे ड्रेनिंग करना मुश्किल होता है वहाँ पे वेट प्रिजर्वेशन को ही प्रीफर किया जाता है, ये काफी सिंपल और आसान मेथड होता है। तो क्या मेथड है, क्या इसका प्रोसीजर है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि टोटल बॉयलर फील्ड विथ वाटर हैविंग हाइड्रोजन
कॉन्सेंट्रेशन 200 ppm, pH 9.5 से 11 एंड बॉयलर प्रेशर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले हम लोग जैसे अगर वेट प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रिजर्वेशन है, तो देखिए जो हमारा बॉयलर नॉर्मल रनिंग के दौरान जो वाटर यूज किया जाता है तो डीएम वाटर यूज किया जाता है, तो उसी वाटर को यूज करना है अपने प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले अपने पूरे बॉयलर को पूरे बॉयलर यानी कि जितने भी सारे प्रेशर पार्ट्स है, चाहे वो इकोनोमाइजर हो, ड्रम हो, सुपर हीटर हो, वाटर वाल हो, इन सभी को पूरे एकदम वाटर से फिलअप कर देना है। फिर उसमें ऑक्सीजन ना रह जाए, उसमें ऑक्सीजन जो वाटर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाए, इसलिए उसमें एक केमिकल डोज करना है जिसका नाम है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हम डोज करते हैं तो वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है, तो 200 ppm रखना है। और ये कैसे ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो उसको भी देख लीजिए। ये आपका हाइड्रोजन हो गया N2H4 प्लस ये आपका ऑक्सीजन से यदि ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, तो ये आपका बना देगा H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा और प्लस ये नाइट्रोजन बना देगा। तो और ये नाइट्रोजन जो है यदि हमारे वाटर में मिक्स हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रखना है वो 200 ppm रखना है, साथ में जो वाटर का पीएच मेंटेन करना है वो 9.5 से 11 तक मेंटेन करना है, और बॉयलर का जो प्रेशर होगा यानी वाटर का जो प्रेशर है बॉयलर प्रेशर वो आपका ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। मान लीजिए 3 kg हो, 4 kg हो, 5 kg हो या 10 kg हो। अगर ऐसा क्यों रखा जाता है, ताकि बाहर में अगर जो एटमोस्फेरिक एयर है वो अंदर इंग्रेस ना कर पाए, वो बॉयलर में इंग्रेस ना कर, कभी भी आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एयर जो है वो नहीं आ सकता, इसलिए आपका बॉयलर जो है वो प्रेशराइज कंडीशन में रहेगा। नहीं तो अगर लोअर कंडीशन में रहेगा तो बाहर का एयर आ जाएगा जिससे ऑक्सीजन बॉयलर में चला जाएगा और वो वहां पर ऑक्सीजन की वजह से कोरोड करेगा, उसमें कोरोजन होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर प्रेशर जो है वो हाई मेंटेन किया जाता है। ओके, जिन जगहों पे हाइड्रोजन मिलना मुश्किल होता है या हाइड्रोजन केमिकल नहीं उपलब्ध रहता है तो उस केस में आपका सोडियम फॉस्फेट यूज किया जाता है, और उस केस में आपका जो ये कॉन्सेंट्रेशन है उसका 200 ppm ना यूज करके 300 से 400 ppm यूज किया जाता है। तो सिर्फ उसके जगह हाइड्रोजन के जगह आपका फॉस्फेट यूज कर दिया जाता है, बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है। ओके, आप देखिए ये केमिकल यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये केमिकल का यूनिफॉर्म आपका चारों तरफ से आपके बॉयलर ट्यूब में फैल जाए, तो इसके लिए हम लोग इसको स्टीमिंग कर देंगे। स्टीमिंग कर देने से क्या होगा कि आपका जो भी केमिकल्स है वो पूरे यूनिफॉर्म तरीके से हर एक जगह में समान मात्रा में वो फैल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिजर्वेशन होगा वो आपका पूरे अच्छे से होगा। ओके, तो यही होता है वेट प्रिजर्वेशन। अब अगली बात है कि इट इज नॉट यूज इन वेरी कोल्ड इन्वायरमेंटल। अब तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग वेट प्रिजर्वेशन में वाटर यूज करते हैं तो जिन जगहों पे आपका कोल्ड वेदर होता है, जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंटल है वहाँ पर हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी तो हमको बॉयलर यूज करना है, उसका प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए अलग मेथड आता है। तो वो कौन सा मेथड है, तो वो है ड्राई प्रिजर्वेशन। तो इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट्स है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, तो इसमें हम लोग देखे थे ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है, और ये क्या करता है, ये मेनली मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये नाम से ये ड्राई है यानी कि हमारा जो बॉयलर होगा इसमें ड्राई होगा, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा, तो ये मॉइस्चर से ये प्रोटेक्ट करेगा, और अगर मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर देगा यानी कि वो ऑक्सीजन से भी उसको प्रोटेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसमें कोई कोरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है इट यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इसमें हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखे थे, लेकिन इस केस में क्या होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 6 महीना सालों भर तक अगर बॉयलर को शट डाउन कंडीशन में रखना है या स्टैंड बाय में रखना है या आपका बंद कंडीशन में है बॉयलर, तो लंबे समय के लिए अगर बंद है तो वहाँ पर भी ड्राई प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है। अब इसका क्या प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। ओके, देखिए कंप्लीटली ड्रेन आउट ऑफ बॉयलर देन ड्राई आउट द इंटरनल सरफेस विद हॉट एयर। इसको सबसे पहले क्या करना है कि नाम से ही पता चलना है कि अपने बॉयलर को ड्राई करना है यानी उसमें मॉइस्चर ना रहे, तो इसके लिए क्या करना है कि जितने भी आपका बॉयलर में ड्रेन है वहाँ सभी से वाटर को पूरी तरह से ड्रेन कर देना है, फिर बॉयलर के इंटरनल सर्फेस को अच्छे से ड्राई आउट करना है, उसे पूरा सुखा देना है। किसके द्वारा, तो हॉट एयर, हॉट एयर को सप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा कि बॉयलर पूरा अच्छे से ड्राई आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्मिना का यूज करना है। ये सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्मिना क्या होता है, तो ये एयर में जो भी मॉइस्चर होता है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जैसे आप अगर कभी लैपटॉप वगैरह खरीदे होंगे तो लैपटॉप के अंदर देखे होंगे एक छोटा सा व्हाइट पैकेट में सिलिका जेल होता है, उसका क्या काम होता है, तो जो भी एयर में आपका मॉइस्चर है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि आपका लैपटॉप जो है वो सुरक्षित रहे मॉइस्चर से। ओके, काफी लोगों को ये पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि आपका ये जरूर कोई जरूरी चीज है या कुछ ऐसा कुछ केमिकल वगैरह है
है उसके लिए, लैपटॉप के लिए, और उसको बहुत ही संभाल के रख देते हैं। तो उसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि मॉइस्चर को रिमूव करना। जब कभी वो डिलीवरी वाले यदि भेजते हैं तो उसको अच्छे से पैक करके भेजते हैं और वो पूरा अच्छे से ड्राई रहे, इसलिए वहाँ पर सिलिका जेल का पैकेट रख दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग बॉयलर को ड्राई आउट करने के बाद बॉयलर ड्रम में सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्मिना यूज करते हैं। और कितना यूज करते हैं, तो बॉयलर ड्रम में हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो हीटिंग सरफेस एरिया के अनुसार यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर का अगर हीटिंग सरफेस एरिया है तो उस केस में सिलिका जेल जो यूज करेंगे वो 1.3 kg यूज करेंगे, और अगर एक्टिवेटेड एल्मिना का यूज करना है तो उस केस में 0.25 kg पर मीटर स्क्वायर करेंगे। यानी कि 1 मीटर का हीटिंग सरफेस एरिया है तो इतना आपका एक्टिवेटेड एल्मिना होगा और 1.3 आपका सिलिका जेल होगा। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सिलिका जेल अवेलेबल नहीं है वहाँ पे एक्टिवेटेड एल्मिना का यूज किया जाता है। ओके, तो जिस हिसाब से आपका हीटिंग सरफेस एरिया है उस हिसाब से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बॉयलर ड्रम के अंदर रख दिया जाता है जिससे जितने भी सारे अगर मॉइस्चर अवेलेबल है तो वो अपने अंदर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर इसको रखने के बाद क्या किया जाता है कि क्लोज एयर टाइट ऑल प्रेशर पार्ट सो डेट नो मॉइस्चर एंड एयर लीक इन। इसको फिर रखने के बाद आपका जितने भी सारे प्रेशर पार्ट से जहाँ से भी आपको टाइट करना है वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाए ताकि बाहर का जो मॉइस्चर हो, जो एयर है, वो अंदर इंग्रेस ना हो बॉयलर में। ओके, फिर बीच बीच में इसको इंस्पेक्शन करना है, महीने में एक बार देखना है कि ये जो आपका सिलिका जेल है वो आपका अच्छा है कि नहीं, कहीं उसमें आपका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है मॉइस्चर का वो आपका ख़त्म नहीं हो गया है ना। अगर ख़त्म हो गया तो फिर उसको चेंज करना है। ओके, तो ये हो गया ड्राई प्रिजर्वेशन के बारे में। इसके अलावा आपने बॉयलर का प्रिजर्वेशन को नाइट्रोजन के द्वारा भी सुना होगा। तो नाइट्रोजन के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है, तो वो सिंपली गैस है और जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो एक इनर्ट गैस की तरह यूज करता है। इनर्ट कहने का क्या मतलब है कि वो किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करेगा, वो जैसा गैस है वैसा ही रहेगा, जिससे हमारा इंटरनल सरफेस में आपका कोई भी मॉइस्चर जो है वो नहीं आएगा, कोई भी ऑक्सीजन रहेगा वो उसको कोरोजन से काफ़ी इफेक्टली उसको प्रिवेंट करता है, काफ़ी उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो काफी इफेक्टिव मेथड होता है, लेकिन नाइट्रोजन का काफ़ी कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न इसका ये है कि एक तो ये आपका कलरलेस होते हैं और आपका ऑर्डरलेस होते हैं, जिसके वजह से इसको पहचानना और इसको जांचना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर लीक कर गया तो ये भी एक तरह से आपको पहचानने में दिक्कत होगा, साथ में ये काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे आपने लेस का अगर पैकेट खरीदा होगा, जो वो आलू का चिप्स होता है, आपने देखा होगा 10 या 20 रुपये का पैकेट में 5-6 चिप्स होते हैं, तो आपने देखा होगा आलू तो बहुत सस्ता होता है लेकिन वो चिप्स क्यों इतना महंगा होता है। तो उसको भी प्रिजर्व किया जाता है। वो प्रिजर्व किससे किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस से किया जाता है। वो नाइट्रोजन गैस काफी कॉस्टली होता है, जिसके वजह से वो जो आलू का जो चिप्स है वो आपके लिए महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन गैस काफी महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज काफी कम ही जगह किया जाता है। लेकिन अगर कहीं पॉसिबल नहीं है, कहीं पर आपका मॉइस्चर को आपको पूरा इफेक्टिवली अगर रिमूव करना है तो वहां पर नाइट्रोजन गैस का भी यूज किया जाता है। आप देखेंगे ड्रम में उसका एक टैपिंग पॉइंट रहता है, वहां से आपको उसको फिलअप करके उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। ओके, लेकिन मेनली अगर आप देखेंगे तो वेट प्रिजर्वेशन ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली और बहुत ही किफ़ायती होता है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।